हेलो, स्वागत है आप सबका। चलिए घुमा लेके आते हैं, घूम के आते हैं। तो शाम का टाइम हो गया है 5:30 और आपको यहाँ पे भैंस की आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ेगी। तो मैं चल रही हूँ प्लॉट पे और आप सबसे बात भी करूँगी और प्लॉट पे चलूँगी भी और यहाँ अगल बगल व्यू भी दिखाऊँगी आपको। जय गौ माँ। कहते हैं ब्लैक कलर की गाय देखना शनिवार के दिन शुभ होता है, क्योंकि शनिवार के दिन शनि देवता का दिन होता है। तो ब्लैक कलर की अगर गाय दिख जाए तो शुभ होता है। हालांकि आज फ्राइडे है, आज सैटरडे नहीं है। और मैं आपको दिखा दूँ एक डॉगी को। डॉगी होगी देख के बड़ा डर लगता है यार। यहाँ पर देख लीजिए कितना घर बन रहा है और बहुत ही डर लगता है। आज तो दिन में बारिश नहीं हुआ था, तो थोड़ी सी सड़कें जो है ठीक लग रही है, नहीं तो किचिर पिचिर ऐसा लगता है। तो मैंने सोचा कि प्लॉट पे चलने से पहले आप लोगों को सफ़र दिखा देती हूँ। जब आज बारिश नहीं हुई ना, तो आज सड़कें जो है सही है, कच्ची है ना, तो इसलिए ज़्यादा किचिर पिचिर हो जाती है। तो यहाँ पे बनी नहीं है सड़कें ना, तो पानी बहुत ज़्यादा, ये देखिए कुछ इस तरह से हालत खराब हुई है। और ये एक डॉगी यहाँ पे सोया पड़ा है, ये देखिए एक डॉगी यहाँ पे सोया है और वो भैया आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम प्लॉट पे पहुँच जाए। तो मैं आ गई हूँ अपने प्लॉट पे। चलिए थोड़ा सा काम कर लूँ। देखिए एक हाथ से ताला भी नहीं खुल रहा है और गेट पे भी बहुत सारे जो है गवे जो है लग चुके हैं, तो इसको मैं सोच रही हूँ अंदर साइड में कर दूँ। ये देखिए तो इसको मैं तोड़ के अंदर साइड में कर दूँ। तो देखिए कितना सारा घास है। मन कर रहा है कि पहले तो यहीं के घास हटा दूँ, क्योंकि आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे जो घास है ना,
शाम उम की जब गेट से जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं सोच रही पहले यहाँ का घास जो थोड़ा सा हटा दूँ। तो मैंने यहाँ का थोड़ा सा घास जो है हटा दिया है, तो चलिए दरवाजे को कर लेती हूँ, मतलब गेट को दरवाज़ा बंद करे रहती हूँ। तो ये लगता है कि भाई देखिए हम वहाँ पे घास वास निकाल रहे हैं तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लौकी एक को नहीं आई है इस समय, लौकी भी नहीं आई है, बस घास ही ज़्यादा दिखते हैं। बरसेम हमारी बढ़ रही है, ये देखिए बरसेम का पौधा जो है बढ़ रहा है। अब एक बार ना ये लौकी वगैरह फल जो है फल लग चुका है, तो अब धीरे धीरे करके ये जो है समेट रहा है। बतिया लगी हैं लेकिन उतना है जो कि मैं जितना फैला था उसको भी मैंने समेट दिया है। इधर घास वास निकाल के सहजन भले हमारा ग्रो कर रहा है, सहजन में ग्रोपन है। तो मैंने आते समय आपको ढेर सारी चीज़ें जो है मैं शेयर करी, और कुछ तो मतलब उस समय ये लगता था ना कि जैसे जिसके साइड में जैसे जिस साइड में कैमरा रखो ना तो वो सोचते हैं कि मैं वायरल हो जाऊंगा, तो मुझे बोलना नहीं पड़ा, मैं बोली नहीं हूँ। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे कि बस वही है दुनिया में और कोई नहीं है। अरे यार मेरा देखिए यहाँ पर पुदीना, पुदीना की हालत क्या हो रखी है यार। मैं कितना घास निकालूँ मतलब इतने टाइम आने के बाद मैं एकदम समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ यार, किस किस का घास निकालूँ। ये एक भिंडी है, तो चलिए पहले तो काम करने से पहले जितनी भी सब्जियां हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं भिंडी ही है और बाकी तो घास ही घास है। और तोरी वहाँ देखना पड़ेगा लेकिन हम अंदर घुस के नहीं जाएंगे देखने। और लौकी और यहाँ पे पालक, चलिए देख लेते हैं ये पालक। मेरा मन कर रहा है तोड़ के ले चलूँ, आज सकोड़ा बनाती हूँ पालक का, लेकिन बहुत नहीं है, यही एक पालक अच्छी दिख रही है, बाकी तो खास अच्छी नहीं दिख रही हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, कल मैं दो दिन से इस घास को निकाल रही हूँ, ये देखिए इस घास को मैंने दो दिन से निकाला है और इतना ज़्यादा अभी भी उतना घास पड़ा है। तो मेरा मन कर रहा उस घास को निकालूं या इस मिर्ची के घास को निकालूं, मैं मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है यार। तो सोच रही हूँ इसी घास को निकाल लेती हूँ, क्योंकि कम से कम एक क्यारी जो है फाइनली वो सही हो जाएगी। तो चलिए पहले टहल के हम वो कर लेते हैं, पहले टहल के जितनी भी भिंडी है वो सारी भिंडी हम तोड़ लेते हैं ना, ये ठीक रहेगा ना। तो फिलहाल मैंने एक भिंडी यहाँ पे तोड़ा है और भिंडी को इस तरह से मैंने पकड़ा था, तो यहाँ पे वो लग रहा है इसका पत्ती। इसमें कल मैंने तोड़ा था तो इसकी भिंडी जो है एक ही तोड़ी थी, और आज भिंडी इसमें कम से कम तीन से चार भिंडी है। दो तीन दिन इकट्ठा कर लेती हूँ तो एक दिन सब्जी बन जाती है, ये देखिए। और कुछ भिंडी वहाँ पे लगी है तो उसको हम तोड़ लेते हैं, तीन चार भिंडी इसमें भी है। वहाँ वाली भिंडी हमने देखा ही नहीं, एक हाथ से भिंडी टूटेगी नहीं, तो इसलिए पहले हम एक हाथ से भिंडी टूटने वाली नहीं है।
वाले पेड़ को इतना ज़्यादा ये घना शुरू से निकला ना, ये जो है भिंडी का इतना ज़्यादा ये शुरू से घना निकला, तो मैं सोची थी कि इसमें तो बिल्कुल भी भिंडी नहीं आएगी। कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे बहुत घना सा निकले, तो देखिए यहाँ पर बापरे इतना ज़्यादा घास हो गया है। जैसे ही ये पकेगा वैसे ही मैं इस का घास निकालूंगी। यहाँ पे वो दी थी मूली, तो ये भी घास से ख़राब ही हो रही है। घास हट जाती तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। एक भिंडी यहाँ पे लगी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी हम तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद काम में लगते हैं। नहीं, दो भिंडी है, दो भिंडी है, एक यहाँ पे है, ये देखिए एक भिंडी मैंने तोड़ दिया, और देखिए यहाँ पे भी बहुत घास ही है, और एक भिंडी यहाँ पे लगी हुई है ये, और एक भिंडी और दिख गई। मैं एक ही भिंडी देख के आई थी, तो एक भिंडी यहाँ पे भी दिख गई, और यहाँ पे करेला जो है भिंडी के ऊपर चढ़ गया है, तो भिंडी जो फूल वगैरह है इसमें लगना बंद कर दिया है। ये है कि थोड़ा ही थोड़ा सा ही, लेकिन भिंडी खिला दी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि दो दिन तीन दिन चार दिन पे खिला दी, तो तीन चार दिन, मतलब तीन चार भिंडी मैंने तोड़ लिया है। और कल ये वाली भिंडी छोड़ दूँ, ये कल सुबह मतलब कल तोड़ूँगी तो थोड़ी भिंडी हो जाएगी। तो बाकी सब्जी तो कुछ नहीं खास है। चलिए कद्दू भी देख लेते हैं, कद्दू पानी आ रहा है, कद्दू भी देख लेते हैं कद्दू की क्या हाल है। बताएं, जो जो भी पौधे हमने लगा रखा है वो ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन जो है घास की वजह से यहाँ पे एक, ओह माय गॉड, यहाँ पर आप देख लीजिए एक कद्दू लगा हुआ था, जो कि शायद कौन सा जानवर इसको खाया है पता नहीं, एक कद्दू लगा हुआ था, तो अभी ये भी करेंगे, तो चाहे हो सकता है चूहा, चूहा भी ये बहुत गुण करते हैं। मेरा जो कद्दू छोटा सा कद्दू था वो चूहा खा गया, चूहा ही खाया होगा उसका, उसका ही ये हरकत हो सकती है। और मैं सोची कि देखिए कद्दू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अब अगर ऐसे चूहे परच जाएंगे तो फिर तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कद्दू तब आने नहीं देगा एक भी। और एक छोटा सा कद्दू यहाँ पे लगा हुआ है, ये दिख नहीं रहा है कमरे में, लेकिन जब बच जाए, ओह माय गॉड, मैंने यहाँ पे लगा रखा है लकड़ी, और वो लकड़ी बराबर से यहाँ पे गिर जा रही है। ये देखिए बैंगन है, और बैंगन आजकल नहीं आ रहा है, और वो लकड़ी बैंगन के ऊपर गिर गई है। तो चलिए देखते हैं आज यहाँ पानी लगा दे क्या, लेकिन हालांकि ये मिर्च में पानी कम है, बाकी तो लो यहाँ पे बैंगन में पानी है। तो चलिए पहले वीडियो के एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू।